साइड में आपको स्क्रीन रिकॉर्ड दिख रहा होगा, यहाँ पे देखिए ये मेरी बीबी का चैनल है, मतलब राधा का चैनल है। और यहाँ पे देखिए कोई भी वीडियो मेरे ही चैनल पे ऐसे ही चल रहा है, जो मैं शॉर्ट्स वीडियो बनाता हूँ जिसपे, उस पे भी ऐसे ही हो गया, सेम सबके चैनल पे ऐसे ही हुआ है। मैं दिखा इसलिए रहा हूँ क्योंकि रिकॉर्ड उसी से हो रहा है जिसमें मेरी आईडी है, तो इसलिए मैं राधा के आईडी को दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, अब आप भी अपनी देखिएगा, यहाँ पे कोई भी वीडियो पे आप क्लिक करते हैं, जैसे मान लीजिए ये वीडियो पे मैं क्लिक कर लेता हूँ, तो उसके बाद थंबनेल पहले यहाँ पे पेल्सिन वाले पे ओके करके चेंज हो जाता था, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कोई ऑप्शन नहीं है थंबनेल चेंज करने का, यहाँ पे हम अगर क्लिक करते हैं तो कोई ऑप्शन आपको नहीं दिखेगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भैया यहां से पहले भी बहुत लोगों का नहीं हो रहा था। हाँ, ये बात सही है कि बहुत लोगों का नहीं हो रहा था, लेकिन बहुत लोगों का हो भी रहा था, ये चीज मैं खुद चेक कर चुका हूं। और मेरा भी कभी कभी हो जाता था, कभी कभी नहीं होता था, लेकिन हो जाता था। अब इससे असर क्या पड़ेगा आप लोग शायद सोच भी नहीं पाए होंगे, मैं इस वीडियो में आपको समझाऊंगा। प्लस ये भी है कि बहुत सारे ये लोग सोच रहे हैं कि अब भी कैसे कुछ लोगों का थंबनेल दिख जाता है शॉर्ट्स पे, क्यों दिख जाता है। अब भी बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जिसपे शॉर्ट्स पे आप देखोगे तो थंबनेल दिख जाता है, तो वो कैसे लगा लेते हैं भैया, सवाल ये बहुत बड़ा है। चलिए हम इसका भी आपको जवाब दे देते हैं, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा ये चैनल पे थंबनेल आपको हमेशा दिख जाता है। अब यहां पे जाते हैं वीडियो वाले सेक्शन पे, यहां पे देखिए सब पे थंबनेल दिख रहा है इनके, इनके जितने भी वीडियोस हैं 1 घंटे पहले डली इस पे भी थंबनेल दिख रहा है। अब ये सवाल है भाई, क्यों ऐसा हो रहा है? चलिए इसका भी जवाब हमारे पास है, क्योंकि हम बिना रिसर्च किए कोई वीडियो आपके लिए नहीं लाते। और जो स्टूडियो में मैंने दिखाया आपको, स्टूडियो ऐप में, वो अपडेट अभी 1-2 दिन पहले ही हुई है, जब मैंने देखा तुरंत वीडियो बना रहा हूं, अभी तक यूट्यूब पे किसी ने नहीं बनाया। चलिए मैं जवाब देता हूं, यहां पे आते हैं होम पे, ए टू मोटिवेशनल पे, यहाँ पे होम पे आ गए। अब यहाँ पे देखिए ये शॉर्ट्स वीडियो है, थोड़ा सा नीचे आएंगे तो ये अपलोड वीडियो है, मतलब यहां पे जब आप क्लिक करते हो तो ये शॉर्ट्स सेक्शन है और ये अपलोड वीडियो है, समझ गए? ठीक है, अब देखो अगर आप अपलोड से कोई भी वीडियो अपलोड करते हो तो आपको दूसरी टाइप का दिखता है, जैसे नॉर्मल वीडियोस अपलोड होती हैं, जैसे मेरी ये वीडियो अपलोड हो रही है बड़ी वीडियो, वैसे ही यहां से भी अपलोड होती है कितने भी सेकंड की आपकी वीडियो हो। और उसके बाद यहाँ पे जो शॉर्ट्स वीडियो आप अपलोड करते हो इस वाले सेक्शन से, वो सब वीडियो शॉर्ट्स में आपको दिखाई देती है, जिसपे आप ध्यान से देख लो कोई भी थंबनेल इनके चैनल पे भी नहीं है। देखो किसी पे थंबनेल दिख रहा है, सब पे नॉर्मल वीडियोस हैं, डायरेक्ट चलेंगी वहीं से जहां से शुरू होना है वहीं से चलेगी, मतलब वही, कोई भी थंबनेल इसमें नहीं दिया गया है। अब यहां पे इन सब में थंबनेल है क्योंकि ये यहां से अपलोड हुई वीडियोस हैं, अगर आप यहां से अपलोड करते हो तो मुझे नहीं पता ये चीज कि आपकी शॉर्ट्स में जाएगी कि नहीं जाएगी। अब इनकी जो वीडियो आप लोग शॉर्ट्स में देखते होंगे वो सब ये वीडियोस होंगी या फिर कुछ भी हो सकता है, क्योंकि मैंने जो देखा वो यही लग रहा है मेरे को कि जो शॉर्ट्स वीडियो ये अपलोड करते हैं वो सब शॉर्ट्स में जाती ही जाती हैं, बाकी जो लॉन्ग वीडियो अपलोड करते हैं सब ब्राउज फीचर वगैरह से व्यूज आते हैं इनके, और सब्सक्राइबर भी इनके इतने ज्यादा हैं कि आ ही जाएंगे यार, इतने व्यूज तो आराम से आ जाने चाहिए, तो आ ही रहे हैं, तो इनको कोई दिक्कत नहीं है व्यूज की, इसलिए यहां से और अपलोड करते हैं क्योंकि इनका फायदा है। क्योंकि यहां से अगर अपलोड करते हैं, जैसे यहां से 1 मिनट के अंदर की वीडियो, तो इनकी अर्निंग ब्राउज फीचर हर जगह जाएगी, तो इनकी अर्निंग एड भी आएगा इनके हर एक वीडियो पे, शॉर्ट्स पे एड तो आता नहीं है, तो इसलिए ये ऐसा काम करते हैं, ये चीज समझ गए आप। अब ये थंबनेल वाला पंगा है, अब आपको मैं समझा देता हूं कि थंबनेल भैया क्यों हटाया गया है। अब YouTube ने थंबनेल हटा दिया क्योंकि उसको लगा होगा कि भाई शॉर्ट्स पे थंबनेल नहीं होना चाहिए, लेकिन लोग इतने चालाक हैं कि इस प्रकार से अपलोड करते हैं वीडियो, अपलोड पे जाके शॉर्ट्स क्रिएट शॉर्ट्स से अपलोड नहीं करते, तो ये है मामला पूरा YouTube का, ये एक गंदी अपडेट है। इसको असर कितना ज्यादा पड़ेगा आप खुद सोचिए एक बार, अगर आप लोग ऐसे अपलोड करते हो, पहले था कि भैया अपलोड शॉर्ट्स क्रिएट शॉर्ट्स से अपलोड अगर कर रहे हो तो आप थंबनेल चेंज हो जाता था कभी कभी, पहले तो एकदम हो जाता था अच्छे से, लेकिन फिर कभी कभी हो गया, किसी किसी का होने लगा शॉर्ट्स का थंबनेल भी चेंज, ठीक है, अपने से लगा सकते थे, लेकिन अभी एकदम हटा दिया गया है। अब इससे फर्क क्या पड़ेगा, बहुत गहरा फर्क पड़ेगा। अब शॉर्ट्स पे थंबनेल लग जाने के बाद भी जिसका जिसका लग जाता था पहले,
उसका उसका वीडियो शॉर्ट्स में भी जाता था और ब्राउज फीचर में जब जाता था तो उसका थंबनेल लिखता था बढ़िया, जिससे उनके व्यूअर जो सब्सक्राइबर है वो चेक कर लेते थे, आराम से वीडियो को मतलब देख लेते थे। अब वैसे है शॉर्ट्स का थंबनेल अपने आप आता है तो गंदा सा ऐसे कुछ भी आ जाता है, कुछ भी उसको बदल नहीं सकते, कुछ भी आ जाता है, जबकि वीडियो बहुत अच्छी है लेकिन थंबनेल नहीं है। अब इंप्रेशन तो जाएगा लेकिन लोग क्लिक नहीं करेंगे, इससे वीडियो आपकी वायरल नहीं होगी। तो ये है थंबनेल का पंगा हुआ है, अब ये हटेगा नहीं, मुझे नहीं लगता कि ये हटने वाला है। होप कि आप लोग सब कुछ समझ गए होंगे, ये गंदी अपडेट है। अब क्या होगा, यही है, बुरे दिन आ गए हैं शॉर्ट्स के थोड़े से। अब क्या बताएं हम, अब आपको क्या लगता है कमेंट करके बताना जरूर। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और भी अपडेट जानने के लिए सब्सक्राइब करें।